अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। दोस्तों आज मैं आपको मुल्तान बोर्ड का 9th क्लास का बायोलॉजी का केस पेपर इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इस केस पेपर में से आपके पास 90 से 95% सवालात ज़रूर आएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए पूरा केस पेपर। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिज़ल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सके। करते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं 9th क्लास का बायोलॉजी का गेस पेपर। सबसे पहले आपको शॉर्ट सवाल बताते हैं, उसके बाद आपको लॉन्ग सवाल बताएंगे। दोस्तों यूनिट 1 में से जो शॉर्ट सवाल हैं वो कुछ यूँ हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, उसके बाद डिफाइन एनाटॉमी, डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, उसके बाद डिफाइन जेनेटिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशियो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद डिफाइन फार्माकोलॉजी, डिफाइन बायो ज्योग्राफी, उसके बाद डिस्क्राइब मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल मलिक असमल, उसके बाद राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ बू अली सीना, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफाइन देम। उसके बाद चैप्टर 2 है, यूनिट 2 है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं शॉर्ट वो ये हैं, डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड, गिव एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, व्हिच करेक्टरिस्टिक्स शुड अ हाइपोथेसिस हैव, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्शन एंड थ्योरी, उसके बाद है आपके पास डिफाइन डेडिकेशंस, उसके बाद है डिफाइन कंट्रोल ग्रुप, डिफाइन लॉ प्रिंसिपल, उसके बाद है आपके पास डिफाइन रेशियो, उसके बाद है राइट डाउन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग, उसके बाद डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद चैप्टर 3 है यानी यूनिट 3 है, डिफाइन बायो डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो डाइवर्सिटी, उसके बाद अगला सवाल है आपके पास व्हाट इज़ द एम ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन स्पीशीज, डिफाइन उसके बाद टैक्सोनोमोलॉजी, उसके बाद है आपके पास अगला सवाल है डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज बायोस्फीयर, उसके बाद है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिफाइन मैग्निफिकेशन, डिफाइन रेजोल्यूशन, व्हाट इज फ्लूइड मोसेक मॉडल, डिफाइन टर्गर प्रेशर एंड टर्गर, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, व्हिच काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर एक्यूरेट, वाई, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। यूनिट 5 के जो सवाल आते हैं वो ये, व्हाट हैपन इन G2 फेस, उसके बाद है दोस्तों आपके पास अगला सेल डिफाइन मियोसिस, डिफाइन चाइस मार्टिस, उसके बाद है डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस, उसके बाद है डिफाइन अपोप लोसिस, उसके बाद दोस्तों अगले जो आपके पास सवाल हैं वो कुछ यूँ हैं, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास व्हाट इज़ न्यूरोसिस, ठीक है, उसके बाद है आपके पास अगला सवाल है दोस्तों व्हाट आर को इन्जाइम, व्हाट आर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इन्जाइम, ठीक है, डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर, डिफाइन ड्यूरेशन, ठीक है, ऑफ एंजाइम, उसके बाद है व्हाट इज लॉग एंड की मॉडल, ठीक है, व्हाट इज इंड्यूस्ड, ठीक है, फिल मॉडल, उसके बाद है चैप्टर यानी यूनिट 9 डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बाद है डिफाइन आपके पास फोटोसिंथेसिस, राइट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एना एरोबिक, ठीक है, रेस्पिरेशन, उसके बाद है डिफाइन ATP, व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड ATR, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, डिफाइनिंग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, वेयर प्रोसेस दिस प्रोसेस अकर, ठीक है, डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाट आर
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, डिफाइन ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, विच फूड्स आर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, हु आर विटामिन्स, व्हाट आर इट विटामिन्स एंड इट्स टाइप्स, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ विटामिन्स ए बी सी डी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स विटामिन्स ए बी सी डी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, डिफाइन डाइजेशन, डिफाइन बोलस, व्हाट इज चाइम, विच थ्री सीक्रेशंस आर प्रीटेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिवर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिवर, उसके बाद है हमारे पास इन डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज़ हमारे पास है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर, व्हाट इज़ न्यूक्लियाई, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ यूल्सर, उसके बाद है डिफाइन ट्रांसपायरेशन, उसके बाद व्हाट इज़ द व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशनल पुल, व्हाई हाउ इज़ प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड, व्हाट इज़ पस, ठीक है, उसके व्हाट आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिप्टेंट बाय, व्हाट इज़ आपके पास है, व्हाट आर आर्टरीज, डिफाइन पल्मोनरी सर्कुलेशंस, उसके बाद द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट हु स्प्रेड द नॉलेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों अगले जो सवाल हैं, इन लिस्ट द प्रिवेंटिव मेजर्स टू सेव फ्रॉम, ठीक है दोस्तों अगले जो हमारे पास जो सवालात हैं हमारे पास कुछ यूँ हैं दोस्तों, जो लॉन्ग हमारे पास आपके पास सवालात आएंगे आपके बायोलॉजी के पेपर के अंदर वो कुछ यूँ हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो हमारे पास गैस पेपर हमारे पास हाथ लगे हैं इसके अंदर थोड़े से हमारे पास जो हैं वो धुंधले हैं, हमें सही तरीके से इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके आपको बता देते हैं इसमें से, ठीक है दोस्तों। आपके जो हमारे पास हैं विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक्सप्लेन देम, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ और प्रिंसिपल, उसके बाद दोस्तों आपके पास है यूनिट थ्री में से व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी, विच फैक्टर्स अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद राइट द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम्स, उसके बाद दोस्तों आपके पास चैप्टर या यूनिट फोर है उसमें से जो व्हाट इज़ मीन्ड बाय माइक्रोस्कोपी, ठीक है, उसके बाद है आपके पास एक्सप्लेन फ्यूड मोसेक मॉडल ऑफ, उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है आपके पास यहाँ पे व्हाट डू यू नो अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर प्लास्टिक्स, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज़ टिशू, ठीक है, उसके बाद है दोस्तों हमारे पास व्हाट इज़ सेल साइकिल, ठीक है, डिस्क्राइब द इट्स फेसेस, डिफाइन मिटोसिस एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स टाइप्स, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस एंड मियोसिस, उसके बाद चैप्टर जो यूनिट सिक्स है वो है हमारे पास व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, राइट इट्स फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे आपने देखा हमने आपको बायोलॉजी का जो चैप्टर्स बताया है उसके मज़ीद हमारे पास जो लॉन्ग सवालात हैं राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेस करेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एंजाइम, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, उसके बाद दोस्तों आपके पास जो हमारे सवाल है राइट डाउन द इवेंट्स ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, उसके बाद हैं दोस्तों एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड एन एरबिक रेस्पायरेशन, उसके बाद दोस्तों राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये गैस पेपर है ये पूरा जो नाइन्थ क्लास का जो गैस पेपर है इसके अंदर जो भी आपके पास सवाल आते हैं पूरा ये गैस पेपर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ये पूरा गैस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको वीडियो के अंदर सही समझ नहीं आ रहा, सही दिखाई नहीं दे रहा या हमारी प्रोनंसिएशन से थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी सहूलत के लिए हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा गैस पेपर आपको एक लिंक के थ्रू दे देंगे। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा गैस पेपर आप वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों मज़ीद आपको थोड़ा बस ये बहुत काफ़ी बड़ा है, मज़ीद आपको थोड़ा बता दें एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड रोल ऑफ लिवर इन ह्यूमन बॉडी,
ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोम, ठीक है, राइट अ नोट ऑन ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय माइकोकार्डियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा जो आपके पास गेस्ट पेपर है ये हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपलोड कर देंगे, लिंक अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आपके पूरा गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मज़ीद आपके पास ये गेस्ट पेपर्स आने वाले हैं 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करना हो ताकि हमारे न्यू जो आपके पास गेस्ट पेपर्स हैं वो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।